अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे जी जनाब। ऑलमोस्ट 2 मंथ बाद जो है वो अगेन मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी पिछले दिनों में और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉग बना सकूँ। और आज है एक स्पेशल ओकेजन, मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ जो है ना व्लॉग में शेयर करूँ कि आज क्या चीज़ है। बट उससे जाने से पहले अगेन तड़ला मारूंगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलेगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। पहले मुझे जल्दी से जाकर फॉलो करें, देन जो है वो वीडियो को यहीं से आकर स्टार्ट। जी जनाब, आज है सबीन का बर्थडे और सबीन के बर्थडे की सारी डेकोरेशन जो है वो मैंने खुद की है जनाब। और चले पहले जाके देख लें कि किस किस तरह की डेकोरेशन की थी, तो फिर उसके बाद जो है वो ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। और उसकी जो है वो सारी फ्रेंड्स आई हुई और फ्रेंड्स के साथ जो है वो आज बर्थडे घर में सेलिब्रेट कर रही है। सो पहले जाएँ डेकोरेशन जाके देख के, फिर बर्थडे आके जो है वो जो नेक्स्ट जो बर्थडे हो रही है वो यहीं से आके स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत खपी हूँ मैं डेकोरेशन को लेकर। अगर आप लोगों को जो है वो सारी डेकोर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको मेरी डेकोरेशन जो है जो मैंने की है घर की, वो नॉर्मल चीज़ें जो कि बिल्कुल आपके लिए इस तरह की होती हैं कि ये यूज़ में नहीं आएंगी, लेकिन मैंने उन चीज़ों को यूज़ करके इतनी अच्छी डेकोर की है, आप जाके वो देखें। अगर आपको अच्छी लगती है ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी है। मुझे तो जनाब बहुत अच्छी लगी है, आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगेगी, वो देखें और उसके बाद जो है ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, मैंने आपको बोला था ना घर की जो यूज़लेस चीज़ें होती हैं, मैंने उनके साथ जो है वो बर्थडे डिकोर किया था। ये सेंटर टेबल जो है वो मेरा वही कंसोल टेबल है जो कि मैंने कॉर्नर पर सेट किया हुआ था, और ये जो है साइड टेबल्स हैं जो कि मैंने दराज से ऑर्डर की हुई थी, और डाइनिंग टेबल को थोड़ा मुझे इधर उधर करना पड़ा। जाहिर है मैंने सोचा था कि मैं इस वॉल के साथ जो है वो मैं डिकोर करूँगी, क्योंकि इसकी बेस जो है वो वाइट कलर में है तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये जो छोटा सा बोर्ड मुझे मिला था, ये एक वैसे ही एक पैनलिंग था, वॉल पैनलिंग, उससे पीस बचा हुआ था। तो जनाब बलून जो है यहाँ पे ब्लो करवा के हम लोग गाड़ी में ले आए थे, और जो चीज़ें लेके आई थी मार्केट से जाके उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसरूफियत में ही टाइम गुजर गया। और ये जनाब मैंने सारी कर ली थी डेकोरेशन कंप्लीट, और ये रही इसकी कम्प्लीट लुक। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये जो है वो यूज़लेस चीज़ों के साथ डेकोर किया हुआ था, बहुत बहुत अच्छी सेटिंग हो गई थी। और ये मैंने एक बोर्ड बना लिया था जिसपे वेलकम टू सबीन बर्थडे पार्टी लिखा था, और जो इनकी थीम थी बर्थडे की वो इसी तरह पर्पल पिंक गोल्डन जो है वो कलर को जो है वो हम लोगों ने एज अ थीम यूज़ किया। और ये जो टेबल था ना, इसको भी मैंने बड़ी मुश्किल से रेडी किया था, और ये जो लाइट्स लगी हुई हैं ये बैटरी वाली लाइट्स लगी हुई थी। और मुझे था कि बच्चियां जब आएंगी जाहिर है तो वो जो है वो थोड़ा सा ज़रा यूनिक सा एक सेटअप करती हैं, तो उनके लिए मैंने ये फ्लोर सीटिंग के लिए जो है एक बड़ा खूबसूरत सा ना टेबल सेट किया था जो कि थोड़ा हट की तरह का लुक दे रहा था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसको तैयार करने में भी बहुत टाइम लग गया, पूरी तैयारी की वीडियो जो है वो मैं नहीं बना सकी क्योंकि इसके लिए मुझे थोड़ा सा जो है वो काफ़ी ज़्यादा खपना पड़ा था। सो अगर आप लोग कहेंगे तो किसी टाइम पे जो है वो नेक्स्ट मैं आप लोगों को ज़रूर ये बनाना सिखा दूँगी, जो कि ये घर की चीज़ों के साथ ही मैंने बनाया हुआ था। और ये इसकी इधर वाली साइड से ओवरऑल लुक थी, बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये जनाब जो क्यूट से हेलो किटी वाले जो है ये डिस्पोजेबल प्लेट्स और कप्स हैं, ये भी मैंने जो है वो ले आई थी गिफ्ट शॉप से, और यहाँ पे जो है वो एडजस्ट हो गया था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये सबीन का जो है वो कस्टमाइज केक हम लोगों ने ऑर्डर कर पे बनवाया था, ये भी बहुत 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 प्यारा बन के आया था और बहुत खूबसूरत जो है ओवरऑल हमारी सेटिंग हो गई थी। जी जनाब, यहाँ पे जो है वो सबीन की सारी फ्रेंड्स आ चुकी हैं, वीडियो को ब्लर करना मेरी मजबूरी है क्योंकि जाहिर है सब बच्चियाँ हैं तो इन्जॉय करें और साथ साथ जो है वो वीडियोस आप लोग भी देख के इन्जॉय करें, लेकिन जहाँ सबीन की फ्रेंड्स है वहाँ जो है वो वीडियो आपको ब्लर ही नज़र आएगी। आई होप आप जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। यार ये बंद कर दे। ओ अब हो कर जगह तो डाल, तुम तो डाल सकती हो इधर। चलो क्लैपिंग। Happy birthday to you।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सभी। जी जनाब, यहाँ पे जो है वो बहुत मज़े का खाना जो है वो रेडी हो गया था। मैंने टाइम से जो है वो बना लिया था इन बच्चों को आने से पहले ही, ताकि जो है ये बड़े आराम से इंजॉय कर सकें। यहाँ पे जो है वो बच्चियाँ अपने फूड को भी इंजॉय कर रही हैं, साथ साथ बर्थडे को भी इंजॉय कर रही हैं। और ये जो स्पेशल सिटिंग एरिया बनाया था बच्चियों के लिए, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करी थी, क्योंकि अच्छा लग रहा था उन लोगों को और मुझे इन सबको देख के अच्छा लग रहा था कि चलो जो मैंने मेहनत की है बच्चों को पसंद आ गई है। मेरे भी इसको कुछ खिला दिया करो बेटा। मैं ही खिलाती हूँ आंटी, ये कुछ नहीं खाती। आप इसे बंद कर दो। A few moments later। क्या शुरू हो गया तुम लोग? हाय अल्लाह। स्पेन के फ्रेंड से मैं पूछने लगी हूँ जनाब, स्पेन की एक अच्छी बात और एक बुरी बात, क्योंकि ये स्पेन की स्पेशल जो है वो बर्थडे जो कि घर में सबने फ्रेंड से मिलके जो है वो मनाई थी, इसकी स्कूल फ्रेंड थी जो कि अब कॉलेज के फ्रेंड भी हो गई हैं, सो काफ़ी मेमोरेबल। जाहिर है मैंने आपको हमेशा बताया है कि मुझे है कि आदत है अपने बच्चों की हर चीज़ जो है वो मेमोरेबल बनाती हूँ। तो आज के जो है इस फंक्शन में मैं इसकी फ्रेंड से ज़्यादा कुछ मैंने ये रखा हुआ है कि आप मुझे इसकी एक अच्छी बात बताएंगे और एक बुरी बात बताएंगे, तो वो ही मैं इसे पूछना चाह रही हूँ। तो चलिए आपको लेकर साथ चलती हूँ। सबसे एंड पे आएगी, चलो आओ और इधर आके सारे ख्याल करें। चेंज हो गया, एक अच्छी और एक बुरी बात नहीं मैं पूछ रही, क्योंकि सब फ्रेंड्स कह रही हैं बुरी कोई चीज उसमें है ही नहीं है, तो ये तो बड़ी एक जो है ना गुड पॉइंट है। तो अभी जो है मैं एक अच्छी बात ही पूछने लगी, क्योंकि कोई भी एग्री नहीं हो रहा बुरी बात के लिए। चले आए जनाब। आंटी बहुत अच्छी लड़की है और ये कि दूसरों के साथ कोऑपरेट करती है और इसकी बॉन्डिंग हर एक के साथ बहुत अच्छी है इसकी। अच्छा। और इतने की लड़ाई वगैरह में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। हर एक के साथ बहुत कोऑपरेटिव है। ठीक है जी, ये इसकी अच्छी बात, बहुत अच्छी लड़की है। थैंक यू जी, थैंक यू जी। अब नेक्स्ट मैंने तो वैसे ये सोचा था एक अच्छी और एक बुरी होगी, आप लोग एग्री नहीं किए। वाह, बेहोश होकर गिर जाओ सभी। पहले सबको कह रही है कि मेरे लिए तालियां बजाना। ये तो वैसे मुझे लगता है हर कोई होता है। yes. ये हर कोई होता है। मेरी जो दोस्त थी वो एक टाइम के लिए थी, फिर उसके बाद मुझे नजर नहीं आया कि अच्छा कोई है मेरे लिए। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि जनाब ये है सबीन की सबसे बेस्ट 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 फ्रेंड, क्योंकि इंस्टा हैंडल अगर आप लोग जाके देखोगे ना इन दोनों का, तो इन दोनों ने एक दूसरे को अपनी दुनिया ही बोला हुआ है। तो अब देखें यहाँ से जो है वो तारीफें, इधर की जो है वो देखें, इनसे सुने, और पहले ही बहुत बेस्ट बेस्ट चीजें बोलने वाली है। चले जनाब, इसकी सबसे पहले तो वो मेरी बहन है, तो हाँ तो बहुत ज्यादा उसमें मेरी बहन है। और दूसरी बात ये कि वो बहुत सपोर्टिव है, मुझे कभी ये कहना नहीं छोड़ती और मेरे लिए हर किसी के सामने लड़ती है, पूरी किताब में लिख दूंगी। अच्छा, एक बात बतानी थी, मेरी बात सुनो, अगर वो स्कॉर्पियन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर दफा उसको जो है ना टीज करो, उसको देख के मैं भी रोने लग जाऊंगी। मीरा टेक इट इजी बेबी, चल तू आके उसको चुप करा। अब ले ये तो कोई बात ना हो, बोला उसका सारा मस्कारा फैल जाना था अभी। वाओ, नोटबुक है दिखाओ।
हाँ बहुत प्यारी है। अब ये भी निम्रा का ही है। निम्रा ने दो गिफ्ट दिए हैं। 2000 ईयर्स लेटर निम्रा का सेकंड गिफ्ट खुल रहा है। 8 घंटे से तुमने उसको संभाल के रखा। कपड़ा फाड़ लो। वाह परफ्यूम। ये वाह जी वाह। ये इकरा ने दिया है। खोलना नहीं था इसको। नजर तो आ रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा का गिफ्ट है। दिखाओ। पेन है। ये आयशा का गिफ्ट है। कैमरा इधर है बेटा, इधर लेके आओ। हाँ जी लाइट उधर पड़ी है। बारी। अब आप मीरम जान के तोहफे जरा खोलें और दिखाएं। ये को एक चॉकलेट दे दे। तू नहीं मुझे दे रही ना चॉकलेट्स बीन। अब आए मीरम जान के तोहफे। वाह इसको खोलना नहीं है। खुला नजर तो आ रहा है। अच्छा भाई तुमने इसको सजा के रखना है, ये नहीं खोलना। उसको भी फाड़ दे। मीरब जान के तोहफे दिखाओ। वाह परफ्यूम परफ्यूम कटे हो गए। परफ्यूम परफ्यूम तो संभाल लेगी सारे। दिखाओ ये आयशा का नहीं है, ये मीरब का गिफ्ट है। देखो मेरी आंखों में परफ्यूम गया मीरब जान का। ये क्या है दिखाओ, मैंने जूम किया तुझे। अब मैं सिर्फ गिफ्ट गिफ्ट दिखा रही हूँ। गिफ्ट गिफ्ट कुछ कैंडीज वगैरह हैं। अच्छा कैंडीज हैं। ट्रेसिंग कुरान देखो ये भी मुझे लगता है इसने खुद बनाया है। बड़ा प्यारा। और उसको पता था यही थीम है बर्थडे की? नहीं मुझे नहीं पता था। सबसे स्पेशल ये क्या है भाई? ये स्पेशल बुके है नूडल्स का। वाह जी वाह नूडल्स। और वो सभी नूडल्स की दीवानी है। चॉकलेट्स हैं। एक चॉकलेट देता है। बलाल दा फोन आ रहा है।